आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह कल मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर आज प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल कुलपति ने चर्चा करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय का 8वां विशाल समारोह 28 जनवरी को मनाया जाएगा। इसमें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन की उपस्थिति विश्वविद्यालय के लिए गरिमामय रहेगी। साथ ही प्रोफेसर मनोज कुमार पटेरिया सलाहकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद भारत सरकार भी विचार समारोह में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन भी दीक्षांत समारोह में शिरकत फरमाएंगे। आगे चर्चा करते हुए कुलपति ने बताया कि कुल 72 मेडल में से छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 69 महिला व 13 पुरुष हैं, जिन्होंने बताया कि पिछली अवधि में 135 मेडल देने हैं, जिनमें से 17 कल यहां आएंगे। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम 28 जनवरी दिन मंगलवार की सुबह 10:30 बजे से शंभुनाथ शुक्ल सभागार में आयोजित किया जाएगा। लाइब्रेरी के डिजिटाइजेशन की हम लोगों ने प्रपोजल रखा है। अगर रूसा से हम लोग ये अनुदान प्राप्त होता है तो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें हमने अपने पीएचडी स्कॉलर्स को, पीजी स्टूडेंट्स को उसकी मेंबरशिप दिलवाएं और आईटी फैसिलिटीज को हम बढ़ाएं, ताकि न केवल हमारी लाइब्रेरी डिजिटाइज हो बल्कि अन्य लाइब्रेरियों से भी उनका नेटवर्क हो। यहीं से बैठ के उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में नहीं जाना है, बीएचयू की लाइब्रेरी में नहीं जाना, यहीं से बैठ के उनकी पुस्तकों का वो अध्ययन कर सके, उनके जर्नल्स को ले सके, इसकी भी कोशिश है।